महाभारत में कर्ण के साथ लड़ने की हिम्मत ना होने की वजह से उन पर पीछे से वार किया गया। रामायण में राम भी पेड़ के आड़ में छुपकर वार किए। अब इन लोगों ने मुझे मारा, उस चोट से ज्यादा किस्मत ने मेरे साथ खेल खेला। इस तरह हवा में उड़ना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने एरोनॉटिक्स की पढ़ाई की है। मेरा सेटल होना ही मेरे पापा की इच्छा है और सक्सेस होना मेरा सपना है, इसलिए हमारे घर में हमेशा युद्ध होता है। जीत किसकी हुई ये जानने के लिए पहले आपको मेरे पास्ट को जानना होगा। छोटा सा चोट है, लेकिन लगा कैसे? केले के छिलके पे पैर पड़ते ही फिसल कर गिर गया डॉक्टर। जोक अच्छा था, लेकिन लगा कैसे? फीस लिए बिना पल्स बिना चेक करने वाले इस जमाने में इतने प्यार से इलाज कर रहे हैं? यू आर ग्रेट डॉक्टर। इट्स माई ड्यूटी। रोगी को प्यार न करने वाला डॉक्टर भी रोगी के समान होता है। लेकिन चोट कैसे लगी ये अभी तक आपने नहीं बताया। मेरे बेटे की वजह से लगी। कॉर्पोरेटर की शादी में फ्लेक्सी में दूल्हे की फोटो किसने बदला था बे? मेरा बेटा पढ़ाई में थोड़ा वीक है ना। फिर फोटो किसने बदला? मेरे भाई ने बिना उसे देखे ये पोस्टर पूरे शहर में चिपकवा दिया था। उसे देख के दामाद जी नाराज हो गए। शादी रुक गई, मेरे भाई की इज्जत चली गई। शादी रुक गई क्या? शादी रुक गई और इसकी वजह तेरा बेटा ही है। उसी ने ये सब किया है। मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए तुझे मारूंगा तो उसे अकल आएगी। इसलिए जो खाएगा उसे ही ताकत मिलेगी ना, तो जिसे मारोगे उसे ही अकल आएगी। तो उसकी जगह मुझे क्यों मार रहे हो? वो सब हम लोग नहीं जानते। अगर हम तुम्हें नहीं मारेंगे तो भाई हमें मार देंगे। टैक्सी में फोटो क्यों बदली? दे दुल्हन मेरे फ्रेंड से प्यार करती थी इसलिए बदला। ओहो, आज तक तुझे फालतू ही समझा था, लेकिन तूने तो ये ब्रोकर का काम शुरू कर दिया। सगे बेटे को आप ब्रोकर कहोगे? बेटा उससे ज्यादा गंदी गाली मुझे नहीं आती। अरे रुक जाओ, आज तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अरे जल्दी भागिए, वो डेंजर लोग हैं। चलिए तुमसे भी ज्यादा। जिंदगी में आगे भागने वाला बेटा पैदा होगा ऐसा पंडित जी ने कहा था, तब मैं बहुत खुश हुआ था। तेरे प्यार के चक्कर में मेरी जान चली जाएगी। पापा बोलो भागे, जल्दी भागो यहाँ से। पापा चलो। अरे माँ, नहीं भाग सकता। आपके बेटे को दो चार अच्छी बातें सुनानी होंगी। कहाँ है वो? ऐसा हाथ देखा तो उसे छूते रहने का मन करता है। आप क्या करते हैं? एक फेमस डायरेक्टर की फिल्म बनाते हैं क्या? नहीं नहीं, सुबह उठकर पॉर्न देखता हूँ। वो कमीना तेरा बेटा है? वो एक यकीन न करने वाला सच है और इनकार न करने वाला भी सच। मेरी बेटी को लाइन मार रहा है, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। तो ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे लोग आपकी बेटी को पटाते ही हैं। मेरा बेटा उससे आगे नहीं जा सकता। वहाँ तक जाने के बाद मेरी बेटी नहीं रुकती। बेटी को माँ वाली आदत है ना। ये सब शौक मेरे लिए नया नहीं है। राम जैसा बेटा पैदा होगा उसकी पूजा की थी, लेकिन यहाँ तो रावण जैसा बेटा मिल गया। असल में एक ऐसा इंसान है, कुछ पता है? उस दिन मेरे बेटे का अन्न प्राशन था। सच कहूं तो सत्यमूर्ति जी, आपका बेटा तो बचपन से ही बड़ा स्मार्ट निकला। और फिर 15 साल की उम्र में? पापा मैं एग्जाम में पास हो गया। क्यों, तूने सोचा था फेल हो जाएगा? नहीं पापा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। फिर इतना खुश क्यों हो रहा है तू? जो सोचो वो ना मिले तब दुख होना लाजमी है, पर जो चाहे वो मिल जाए तो खुश होना चाहिए ना, उसी में आनंद मिलता है। होमवर्क कर ले। सत्यमूर्ति जी मिठाई खाइए। क्या बात है? खुशी की बात यह है कि मेरे घर आज लड़का हुआ है। ओह कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लो बेटा तुम भी मिठाई खाओ। क्या हुआ अंकल जो आप इतने खुश हो रहे हैं? मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। क्यों, आपने क्या सोचा नहीं होगा? मैं ऐसा क्यों सोचूं? फिर जो हुआ वो सोचकर इतने खुश क्यों हो रहे हैं? कुछ ना चाहते हुए भी हो तब खुशी मनानी चाहिए। ये सब तुम्हें किसने सिखाया? मेरे पापा ने। चुप कर तू, अंदर जा और चुपचाप बैठ के होमवर्क कर अपना, चल जा। और 20 साल की उम्र में? सत्यमूर्ति जी आपके बेटे ने ठीक नहीं किया। ऐसा उसने क्या कर दिया? परसों फेसबुक से मेरी बेटी को ही पटा लिया उसने। वो तो ना समझ है। और कल मेरी बड़ी बेटी को व्हाट्सएप से पटा दिया उसने। अरे ये बचपन ही में किया होगा ना। ये कैसा बचपन है जी, उसने सीधा मेरी बीवी पे ही हाथ डाल दिया। अक्कल आ जाएगी अब उसे। तुम्हारी बीवी अब उसे एकदम सही सबक सिखाएगी। कहाँ सबक सिखाया, अपना सारा कपड़ा पैक करके बस स्टेशन में तेरे बेटे का वेट कर रही है।
जैसे छिपकली सिकुड़कर केचुआ बन जाती है, स्टार हीरो सिकुड़कर पॉलिटिशियन बन जाता है, वैसे मेरा बेटा सिकुड़कर बेवर्ष बन गया है। यही मेरा घर है। भगवान ने माँ से दूर करके उसकी जगह एक बहन दे दी। ब्रह्मा सबकी किस्मत लिखने वाले हैं, लेकिन मेरी किस्मत तो मेरे पापा लिखने की सोचते हैं। ए श्री, मुझे भूख लग रही है यार, जल्दी लाकर दो ना कुछ। तुम्हें पसंद है इसीलिए डोसा बनाया। अरे वाह, अरे थोड़ा थोड़ा, बस बस, ये एक और खा लो ना। नहीं नहीं, खा लो। अरे नहीं बाबा। एक और खा लो ना भैया। अरे टाइम नहीं है, बाहर जाना है मुझे। हाँ खिलाओ, बहुत अच्छे से खिलाओ। जिम्मेदारी उठाने वाला मजबूत होना चाहिए ना, बेरोजगार बेवरे को लड़ाई के मुर्गे जैसे पाल रही हो। भैया रेडी होने जा रहे हैं पापा। क्यों बेटी, प्रिपरेशन पीने के लिए है क्या? नहीं, ग्रुप्स के लिए। कहाँ, शराब की भट्टी में या फिर बार शॉप में? तू हमेशा इसकी तरफदारी मत किया कर, तू लड़की होकर जॉब कर रही है और ये बीटेक पढ़कर भी आवारा जैसा घूम रहा है। गुड मॉर्निंग अंकल। आओ बेटा। हाय श्री। सुबह सुबह ये एक आ गया। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना अंकल? अरे नहीं, हमारे घर में रोज ही ऐसा होता है। मुझे प्रमोशन मिला अंकल, ये लीजिए मिठाई खाई है। आहा, परसों पढ़ाई खत्म हुई, कल जॉब मिला और आज प्रमोशन भी मिल गया। तेरे जैसा घर में एक होना ही चाहिए। हमारे भी एक है लेकिन बेकार। सैलरी भी डबल हो गई अंकल। अरे वाह, सुनकर ही पेट भर गया मेरा। देखो क्या कह रहे हैं कि पेट भर गया। एक काम करो, उनका डोसा मुझे दे दो। सिर्फ खाने में मुकाबला नहीं करना, तुम बैठो बेटा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी मुकाबला करना चाहिए, इसे देखो और कुछ सीखो। एक बंदर और शेर का पेड़ पर चढ़ने का मुकाबला कर दिया जाए ना तो बंदर ही जीतेगा, लेकिन इसका मतलब शेर से बंदर महान हो जाता है क्या? अच्छा तो तू बंदर ही बात मान गया। अरे मैं शेर हूँ ऐसा बोला मैंने। बैठिए ना अंकल, मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ अंकल, इसके बाद का मुझ पर फर्क नहीं पड़ा। अच्छी आदत है। डोसा खाओगे? हाँ जी अंकल, आयुर्वेद के गुरु महात्मा सत्यनारायण जी के अनुसार सुबह चना खा के आया हूँ मैं। ये कमीना सुबह सुबह चना कैसे खा लेता है घोड़े की तरह, पता नहीं। सुबह सुबह हैंगओवर पैग मारने वाले इस जनरेशन में पैदा होने वाले तुम जैसे चना खा के आयो, तुम्हारी तारीफ कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। हाँ बोलना। हे, तेरी लवर की शादी हो रही है यार। ऐसा क्या, कहाँ? संगीत कल्याण मंडप में। ठीक है मैं आता हूँ। मेरे बेरोजगार बेटे को किताब पढ़ते कभी नहीं देखा मैंने, ये ग्रुप में पास होगा ऐसी उम्मीद भी नहीं है मुझे। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करवाइए ना अंकल, आरआरबी में वैकेंसी भी आई है, अगर ट्राई करेगा तो जॉब मिल जाएगी। क्या बताऊं बेटा, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि ये किसी भी तरह से लाइफ में सेटल हो जाए। ऑफिस का टाइम हो रहा है अंकल, चलता हूं अंकल। जल्दबाजी में तुम्हें कार्ड देना भूल गई, पर मुझे पता था तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम तो बड़े सिंसियर लवर हो ना। मेरे लिए वेट करोगी ऐसा बोली थी ना। अरे लकी, जब हम ऑटो के लिए वेट करते हैं तब वहाँ ऑडी कार सामने आ जाए तो तुम किस में जाओगे? वो ऑडी कार जैसा है। लेकिन मैंने तो तुमसे सिंसियरली प्यार किया। लड़कियाँ चाहे पास्ट में किसी के भी साथ रहें, पर फ्यूचर के लिए वो सोच समझ कर ही प्लान करती हैं। वैसे भी तुम तो इस 4G के जमाने में अब तक लैंडलाइन जैसे ही हो लकी। अरुण, दिस इज लकी माय एक्स। ओह हाय ब्रो, हाउ आर यू? शरण्या कम, शी इज माय एक्स लवर। व्हाई डोंट वी टेक अ सेल्फी? श्योर, कम कम लकी। या उस लड़की ने जो मुझे शौक दिया था उससे मुझे तुरंत भगवान याद आ गए। क्यों बे आवारा, आखिर में बीटेक पास कर ही गया। हाँ, हाँ, कर लिया। तो अब तू आवारा नहीं रहेगा, तेरे पापा ऐसा मानने लगे क्या? आवारा लोग भी बीटेक पास हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने फिक्स कर लिया। हाँ बोलो बेटा। मेरी लाइफ में कोई लड़की ना आए और मैं किसी लड़की को ना देखूं, ऐसी एक स्ट्रॉन्ग अर्चना कीजिए, मैं आपका एक महीने का नेट बैलेंस भर दूंगा। अरे बाप रे, तो फिर बताओ किसके नाम से पूजा करनी है? एक या दो नहीं, सारी लड़कियों के नाम पर अर्चना कीजिए। तो फिर गोत्र का? ऑल गर्ल्स। ऑल गर्ल्स गोत्र भविष्य। हरि ओम नमस्तु नमस्ते। बेटा मनोवांछित फलम सिद्धिमस्तु, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो।
बेटा आप फ्रस्ट्रेशन में हो ये बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उस भोलेनाथ का स्क्रीन प्ले किस समय क्या होगा ये कोई नहीं जान सकता। क्यों बेटे स्कूल क्यों नहीं गए? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? 5D कैमरा दिलवाओगे तभी स्कूल जाऊंगा, मुझे शॉर्ट फिल्म बनानी है। दोबारा अगर कैमरे की बात की ना तो तेरा लेंस फोड़ दूंगा मैं। आजकल तो हर कोई शॉर्ट फिल्म बना रहा है। परसों ही मेरी भाभी की बहन के बेटे ने एक शॉर्ट फिल्म बनाकर यूट्यूब पर डाली, पता है कितने लाइक्स मिल रहे हैं उसे। अब ये बताओ मेरे बेटे को कैमरा दिला रहे हो या नहीं? मैंने सोचा कि आज तेरा मौन व्रत है, लेकिन तू है कि हॉरर सिनेमा की चुड़ैल जैसी बातें कर रही है। कर्ज लेकर भी मैं इसे दिलवा दूंगा। कट है? किसके लिए कट? दोबारा कट बोला ना तो तेरा कैमरा कट हो जाएगा। चल जाए स्कूल। दीदी आपने मेरा होमवर्क आखिर क्यों किया? आपने मुझे पहले ही बोल दिया होता कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। हे बहन, पढ़ाई में पिक है लेकिन इंग्लिश में वीक है। पर टीचर तो मुझको डांटेगी ना। क्यों बहना, अब तक क्लिनिक नहीं गई? कॉम्प्लेक्स के पास कुछ लड़के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए मैं नहीं गई। क्या श्री, क्या सोचा है मेरे बारे में? गुड मॉर्निंग बोलने का भी सेंस नहीं है क्या तुम्हें? कितनी बार बोलूं मेरे पीछे मत आया करो। तेरी तो चप्पल से मारूंगी पागल कहीं का। ए लड़की, 10 कदम पे पार्क है, वहाँ चले क्या घूमने? थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। आगे 10 कदम पर पुलिस स्टेशन है, चले क्या? कड़क है बाप, कड़क है। एक और आ रही है। देखना उधर देख। रेटिंग 4.5 है। अगर ऐसा है तो फिल्म कैसी होगी? मेरी रेटिंग 5 में 5। अबे एक भी फ्रेम मिस किए बिना पूरी पिक्चर देखनी है यार। हाँ यार, तुम बुक माई शो में बुक करो ना। संध्या के 70 mm में अज्ञातवास चल रहा है बे। अरे वो पिक्चर तो फ्लॉप हो गई थी ना। क्यों रे, तो खुद को कोई फिल्म स्टार समझता है? ए, फिल्म स्टार ऐसे रास्ते पे नहीं घूमते, और घूमे तो उनको लोग सलाम ठोकते हैं। भाई 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 भाई, फिल्म सुपर हिट है भाई, 100 दिनों में 100 करोड़ भाई। अरे हिट बोला तो भी मार रहे हो, फ्लॉप बोला तो भी मार रहे हो, पागल हो क्या? ए, भाई की फिल्म कभी हिट या फ्लॉप नहीं होती, सिर्फ रिकॉर्ड बनाती है। आइंदा इस कॉम्प्लेक्स के सामने बैठकर पागलगिरी की ना तो कुत्तों की तरह मार खाओगे, ये दिमाग में रख लेना, समझ गए ना? बहुत मारा। कौन है भैया? श्री का भाई है। टाइम आने दे, इसका और उसका दोनों का काम तमाम कर देंगे। अंकल अंकल, लकी बगल वाली गली में लड़ाई कर रहा है। अंकल मैं उसे जाके रोकना चाह रहा था, लेकिन आप तो जानते ही हैं मुझे झगड़ा पसंद नहीं है। अंकल ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है, हार्ट प्रॉब्लम के लिए तो बहुत अच्छी है, आप इसे रेगुलर खाइए। कश्मीर से मंगाई है मैंने इसे, और ये लकी के लिए, ये पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। बहुत बहुत थैंक्स बेटा, चलता हूँ अंकल। हाँ। हाय लकी। कॉम्प्लेक्स के वहां लफड़ा कर रहा था तू? ओहो, आपका नेटवर्क सोशल मीडिया से भी ज्यादा स्पीड वाला है क्या? वो क्या है ना पापा, बात ये है कि रास्ते में आने जाने वालों से तुझे क्या मतलब है? मेरे हीरो की फिल्म फ्लॉप होगी ऐसा आप बोलोगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? और कितने सालों तक आवारा बन के घूमेगा? तुझे परिवार की जिम्मेदारी का एहसास नहीं है क्या? मेरी नजर में फर्ज तो मुझे निभाना ही है, लेकिन उसे उठाने के लिए अभी बहुत सारा टाइम बाकी है पापा। सुन बेटी श्री, बाग देवी इंस्टीट्यूट में ग्रुप ट्रेनिंग के लिए मैं पैसा भर रहा हूँ, सिर्फ 6 महीने की पढ़ाई, अगर मेहनत ढंग से की ना तो एक गवर्नमेंट जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। उन 4 दीवारी के अंदर वहाँ 40 लोगों के बीच में बैठकर कोचिंग लेना मुझसे नहीं होने वाला। बीटेक किया है तूने, इसका घमंड है? तेरे जैसा हर एक घर में मौजूद है, उन्हें नौकरी मिलती तो पढ़कर क्या फायदा? अगर उसकी जगह कंप्यूटर कोर्स किया होता ना तो अब तक तू किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठा होता। हवा में उड़ना है बोलकर फालतू में एरोनॉटिक्स की पढ़ाई की है तूने, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए पापा, मैं कॉन्सेंट्रेट होकर 3 महीने अमीरपेट में अगर कोचिंग लूंगा तो किसी ना किसी जॉब में सेटल हो ही जाऊंगा, लेकिन मुझे सेटल नहीं होना है पापा, सक्सेस होना है। मेरे दिल की बातों को समझने वाला और सुनने वाला कौन है?
मेरे पापा एक बार बोलते थे कि तेरी मर्जी बेटा लकी, तो मेरी जिंदगी कुछ अलग होती। क्यों यार, इतना उदास क्यों है? भागदेवी ग्रुप कोचिंग इंस्टीट्यूट देखा? हाँ, ग्रुप्स कोचिंग जाने वाले हो क्या भाई? नहीं यार, मेरे पापा ने जबरदस्ती मुझे ज्वाइन करवाया है। मुझे पसंद ना होने के बाद भी उनके लिए मैंने एग्जाम अटेम्प्ट करने के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने वो बात बहुत सीरियसली ले ली। ये सिर्फ तेरी समस्या नहीं है यार, इंजीनियरिंग पढ़ के घर में बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स का यही हाल है। बीटेक होने के बाद एमटेक एरोनॉटिक पढ़कर पायलट बनना मेरा ड्रीम है यार, वो बात समझे बिना ही मुझे ग्रुप्स में बैठने को बोल रहे हैं। तू अकेला नहीं है भाई, आजकल हर पेरेंट्स ऐसे ही बिहेव करते हैं, एक बार उनसे बात करके देख। अरे वो कोई पड़ोस वाला एमआरओ बना है तो वो भी ग्रुप्स पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। सामने वाला टीचर बना है तो कम से कम बीडी तो पढ़ लेता ऐसा बोल रहे हैं। पीछे के घर वाला ऐसा ही बन गया है तो सुबह पार्क जाकर दौड़ने के लिए कहते हैं। अरे ये अड़ोस पड़ोस वाले और पीछे के घर वालों के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने घर में रहने वाला क्या बनना चाहता है वो सोचते ही नहीं है यार। अपने जैसी कॉमन फैमिली का यही हाल है यार, जिधर हवा आती उधर ही उड़ जाते हैं। सुन, तुझे कोचिंग लेना पसंद नहीं है, यही बात है ना? नहीं यार, बिना पसंद के पढ़ेगा तो वो दिमाग में नहीं बैठता है। तूने क्या पढ़ाई की है, इसने क्या पढ़ाई की है, मैंने क्या पढ़ाई की है? जिस जॉब के लिए तुम लोग कोशिश कर रहे हो उसका तुम्हारी पढ़ाई से कोई लेना देना है? जो हमें पढ़ना है वो पढ़ नहीं सकते, दूसरे के मन का पढ़ने में मन नहीं लगता, फ्रस्ट्रेशन में दारू पीने का मन हो रहा है यार। और भाई बिना सच्चाई जाने कॉलोनी वाले हम सबको बेरोजगार बोलते रहते हैं। अरे लगी, वो एटीट्यूड दिखाने वाला जा रहा है। ए, मुझे मेरे पापा के द्वारा ग्रुप्स में ज्वाइन करवाने का यही एक कारण है, इसे देखता हूँ तो मुझे बहुत जलन होती है। अबे उसका पागलपन चरम पे है, हमारे पड़ोस की औरत के पेट में दर्द था तो उसे 10,000 रुपया देकर उसके पूरे परिवार को पाल रहा है, ऐसा फेसबुक पे उसने पोस्ट किया है। ए, हमें उस फालतू आदमी से कोई काम नहीं है, चल चलकर फीस वापस लेते हैं। उस पल बिना पसंद का ग्रुप वन पढ़ने से अच्छा अपने पसंद के ग्रुप के साथ दारू पीना बेटर लगा। रिसिप्ट दे मुझे। हेलो एक्सक्यूज मी, हम बोलो, हमारी फीस हमको रिटर्न चाहिए। एडमिशन को खेल समझ रखा है क्या? जब तुम्हारा मन करेगा आकर खेलने लगोगे? इसीलिए बोल रहे हैं सर, रोज आके हमें यहाँ दर्शन नहीं देने हैं। कॉलेज किक देने वाली वाइन नहीं होती बेटा, माइंड शाइन करने वाली गाइड होती है। अरे इन्हें तो सब पता है, वाइन से हमें किक तो मिलती है, पर पहले पैसे वापस करो। हाँ दे दो दे दो। उस पल उस लड़की को देखते हैं मंदिर में, जैसे पंडित जी ने कहा था, उस भगवान के स्क्रीन प्ले की सारी बातें याद आ गईं। हे हे, कैसा आदमी है तू, जहां देखो फिसल जाता है। ए, अगर वो लड़की हाँ बोल देना तो मैं किसी लड़की को नहीं देखूंगा। सर दोबारा क्यों आए हो? ज्वाइन होने के लिए। मैंने पहले ही बोला था ना, एक बार एडमिशन वापस लिया तो दोबारा एडमिशन नहीं होता है। तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जैसे रिकमेंडेशन वगैरह? इस कॉलेज का कोई लेक्चरर साइन करेगा तो ले लेंगे। सर साइन? साइन सर? इस फेस में प्यार कहाँ पे? आई वॉन्ट लव। प्यार से साइन का क्या लेना देना सर? ए, जैसे आइसक्रीम गर्मी से पिघलती है वैसे मैं प्यार से पिघलता हूँ। जब तक तेरे चेहरे पे प्यार नहीं दिखेगा मैं साइन नहीं करने वाला। क्या सर, साइन करिए ना सर। साइन कर दीजिए। ए, प्रेम से बोलेगा तो साइन क्या, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माय नेम इज वेनिला। ओह आई एम लकी, आपका नाम सबसे अलग लग रहा है सर। वो क्या है, मेरे पापा की एक आइसक्रीम शॉप थी, पार्टनर्स द्वारा उन्हें लूटने के बाद सिर्फ वेनिला आइसक्रीम बची, उसी याद में उन्होंने मेरा नाम वेनिला रख दिया और तभी से मैं प्यार के लिए तड़प रहा हूँ। एनी हेल्प? एडमिशन के लिए आपकी साइन चाहिए थी सर, प्लीज। रूल्स तो आप जानते हैं सर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाएगी। डोंट वरी सत्या बाबू, बच्चा बहुत खरा है। खुश होना लकी जी। सुपर है सर। वैसे सर शाम को एक हमारी पार्टी है, साथ में एंजॉय करेंगे। या अभी 10 मिनट पहले ही हमारी पहचान हुई है। इतनी जल्दी दारू की पार्टी, तुम्हें पता नहीं मैं कितना खुश हूँ। इट्स क्रेजी। दीज केमिस्ट्री ग्रुप्स आर द टफेस्ट थिंग, सो यू हैव टू स्पेंड एट लीस्ट 18 आवर्स अ डे टू स्टडी। कम इन। हाय ब्रो। ए हाय, न्यू एडमिशन? या आई एम सेसु। ओह
रिटायरमेंट के टाइम पर रिक्रूट के लिए प्रिपेयर होना जरूरी है क्या? महाकवि के बारे में ऐसा कहा? क्या कहा? लव का कोई एज बार होता नहीं, रंगनायकी ने ऐसा कहा है। जब लव का एज से कोई लेना देना नहीं तो फिर पढ़ाई का एज से क्या मतलब? एक्सक्यूज मी, माय नेम इज तमन्ना। दिखने में बड़ा फ्रेश लग रहे हो, आओ ना मेरे पास बैठ जाओ। तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होगा तो मैं हेल्प करूंगी ना। तुम्हें सबसे बड़ा डाउट हो, तुमसे क्या डाउट क्लियर कराऊं? हे मिस्टर, न्यू एडमिशन है क्या? स्टैंड अप। एक कमरे की चौड़ाई 9 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है, तो लंबाई कितनी होगी बताओ? और कितनी होगी, हम कूद सके इतनी। गेट आउट फ्रॉम द क्लास। अरे बाप रे, मैडम तो बहुत स्ट्रिक्ट लग रही हैं। टुडेज क्लास इज ओवर, वी विल मीट टुमारो। शट अप यूज़लेस फेलो। डूमर कमीने। आ रहा हूँ यार, बस पहुँचो। ए बेवकूफ, क्या हुआ भाई? सर, फिल्म फ्लॉप होगी तो मार रहा है सर। फिल्म फ्लॉप है तो मार क्यों रहा है? आपको मास और इमोशन समझ में नहीं आते, चले जाओ। हे, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? सर आज ही ज्वाइन हुआ है सर, वेनेला सर का रिकमेंडेशन है। अरे आलतू फालतू लोगों को इंस्टीट्यूट में रख करके इज्जत ना निकाले इंस्टीट्यूट की। बोल वेनेला को। अरे अरे और क्या, दारू का है यार? ए मोटू, चकना का है, ग्लास का है यार? देना यार। न्यू जनरेशन के साथ पार्टी करूंगा सोचा था, तरबूज की पार्टी क्या? तुम्हारे और तुम्हारे तरबूज जैसा चेहरा, तू पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। वेनिला भाई, ये ना कोई साधारण सा वाटर मेलन नहीं है, वोडका मेलन है। वंस यू विल टेस्ट, यू कैन फील द थ्रिल। तू पास मत आ, मुझे डर लग रहा है। ये वोडका मेलन क्या होता है यार? अरे ये तो कमाल का आइडिया यार, दारू भी यही है, दारू का चखना भी यही है, दारू में पानी भी यही है। हमेशा पुराने ढंग से दारू पीता था, इस तरह से दारू पीने का पहला मौका है मेरा। लकी जी, बहुत दिनों से सोच रहा था कि ऐसी सर्कल मिले, बहुत दिनों के बाद ऐसे सर्कल से जुड़ा हूँ। जिंदगी को आग के जैसा लाइट इंजॉय करने वाले, मुझे अंदर से बहुत किक देता है यार। तरबूज में वोडका डालकर पीने वाले इस महान विचार को रखने वाले आप चीप ग्रुप प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो? वेनिला भाई, ये ना हमेशा रिस्क लेकर हवा में उड़ने का सोचता है, पर इसके पापा हमेशा बोलते हैं कि तू काम शांति से किया कर। पायलट बनने का इसका जो सपना है, इसके गोलकीपर इसके पापा हैं। अरे सारे पापा ऐसे ही होते हैं, हमारे जिंदगी का हश्र उन्होंने किया है। हर एक का बाप तो एक ही गड्ढा खोता है, मेरे पापा तो हर जगह गड्ढा खोते हैं। अच्छा ये बताओ लकी, फीस लेके तुम वापस जाने वाले थे, फिर 5 मिनट के बाद तुम ज्वाइन करोगे, ऐसे डिसाइड क्यों किया? वो अपने मैथ्स की मैडम नहीं है लकी, वो अपने चेयरमैन की बेटी है, वो अपने इंस्टीट्यूट की मैडम है, वो भी एक स्टूडेंट ही है। जब लेक्चरर छुट्टी लेते हैं तो उसे जो मन करता है वही क्लास देती है, मल्टी टैलेंटेड ब्रो। लेकिन उसका नाम बताना भूल गया, उसका नाम आराध्या है। आराध्या नाम कितना अच्छा है ना। छह बज गए क्या? शुहो, रोज 11 बजे तक ना उठने वाला बेवकूफ आज इतनी जल्दी अर्जेंटली जाने को रेडी हो रहा है? इस टाइम तो वाइन शॉप भी नहीं खुलती है। नमस्कार, सुनिए विजेंद्र प्रताप जी। जी कहिए जी। लोग बदलते हैं क्या? अरे क्यों नहीं बदलते, मेरे बेटे को ही देख लीजिए, आज का डायरेक्टर बन के वो राजा मौली का काम छीनना चाह रहा है। आपके सर पर पत्थर ना गिरे इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारा बेवकूफ आजकल बुद्धिमान हो गया है। कोई भी नौकरी करके सेटल हो जाएगा ऐसा बोला था, पर मेरी बात तो सुनता ही नहीं। मेरे हालात तो त्योहार के बाद जैसे फ्लेक्सी निकाल के फेंक देते हैं वैसे हो गए हैं। अरे बाप रे। इसके अलावा घर में शादी लायक जवान लड़की है। आप फिक्र मत करिए, आपके नाम के हिसाब से, आपके बेटी के गुण के हिसाब से, कोई ना कोई अच्छा लड़का आपकी बेटी को मिल ही जाएगा। उसे हमें छोड़कर जाना पड़ेगा, इसीलिए श्री शादी नहीं करेगी ऐसा बोलती है।
एक पिता होने के नाते मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा सोचता रहता हूँ, लेकिन मैं भी श्री के बिना रह नहीं पाऊंगा। आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, मैं जानता हूँ। दीवार में पेंटिंग करने वाली स्टेज से फ्लेक्सी प्रिंट करने वाली स्टेज तक मैंने बहुत कष्ट झेले हैं। अभी मेरा बेटा कोई तकलीफ ना झेले, मुझसे भी ज्यादा अच्छी जिंदगी जिए, बस यही तो चाहता हूँ मैं। हाँ चलता हूँ। हाँ ठीक है ठीक। थैंक यू दादाजी। यहाँ पर कोई भिखारियों की महासभा चल रही है क्या? तुम्हें क्या करना है? वो क्या है, हमारी मालकिन इन लोगों को पैसे देके इनसे फालतू प्लास्टिक लेके उनसे खिलौने बनाती है। खिलौना? वो क्यों? तुम्हें क्या करना है? मालकिन उन खिलौनों को एग्जीबिशन में लगाती है। एग्जीबिशन? थैंक यू दादाजी। बेटी, इन बेकार की चीजों से आप क्या करती हो पता नहीं, लेकिन आपके दिए पैसों से हमारा पेट भरता है। आपका परिवार हमेशा खुश रहे बेटी। इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं है दादाजी, मन से सोचो बस इतना ही। चलता हूँ बेटी। हाँ ठीक है। बाप रे बाप, बाप बाप, क्या कैरेक्टर है इसका। ए डोलू, तेरी बहन की फालतू फिलोसॉफी मुझे बहुत पसंद आ गई, इसे तो फालतू गिरी करके पढ़ाना होगा। ए श्री ने घर आने के लिए मैसेज किया है। ओके चल चलते हैं। ठीक है, उसी मुहूर्त में शादी करवाएंगे जी। नमस्ते। संभाल के जाना बेटा। असल में ये सब क्या हो रहा है? श्री की कार्तिक के साथ शादी करवाने की सोची है। किससे पूछकर ये फैसला किया? मुझे भी एक बार पूछ सकते थे ना। तुम इसके भाइयों किसी को पता चला तो इसकी शादी नहीं होगी। अपनी औकात के अनुसार कार्तिक जैसा लड़का मिलना बहुत बड़ी बात है। उससे अच्छा लड़का मिला नहीं क्या आपको? वो तेरे जैसा बेरोजगार नहीं है, महीने में 1,00,000 रुपए कमाता है और अच्छी पोजीशन पे है। ऐसा लड़का मेरा दामाद बनेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको भी पसंद हो तो चलेगा क्या? इसकी पसंद से आपको कोई लेना देना नहीं। ये मेरी बेटी है, इसके लिए क्या सही है क्या नहीं है वो मुझे पता पापा। है मुझे ये शादी पसंद है। ये हुई ना बात, तू मेरी ही बेटी है। क्या यार, ले देकर उस कार्तिक से ही शादी करोगी? बचपन से पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ खोया है, अब मुझे अपनी नहीं पापा की खुशी जरूरी है। घर में भी पापा की बात नहीं सुनूंगी तो पापा को कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा उनको? वैसे भी लाइफ को इजी लेने वाले तुम इतने सीरियस कैसे हो गए? तुमसे रिलेटेड कोई भी चीज मैं इतनी इजीली नहीं लूंगा। भाई बहन होके एक पेट से पैदा होके भी हम जिंदगी भर एक साथ एक घर में नहीं रह सकते हैं भैया। पापा पर से प्यार से ज्यादा गुस्सा बहुत बढ़ता गया। मैं तो ऐसा सोचता था कि पापा सिर्फ मुझे नहीं समझते, लेकिन तब पता चला कि पापा बहन की भावनाओं को भी नहीं समझते। श्री के लिए वो कार्तिक सही नहीं है यार, मेरे पापा ने उसकी बातों में आकर गलत फैसला ले लिया। सही कह रहा है यार, तेरे घर में झगड़ा होने का कारण वो कार्तिक ही है। इसलिए मुझे और मेरी बहन को वो कार्तिक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे यार वो कचरा है, उसको क्यों उठा रहा है तू? अपने पास सिर्फ दिल होना चाहिए, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बेकार होती है। हेलो लकी जी। वेनिला जी, अभी मैं अपने कमीने दोस्तों से बोल रहा था कि मुझे एक अच्छी सर्कल मिल गई है। हाँ, इस टाइम पे फोन कैसे किया? वो क्या है ना वेनिला जी, आराध्या। अच्छा समझ गया, आराध्या के बारे में ही ना, उसकी सारी जानकारी व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। आप सुपर हो वेनिला जी, आई लव यू। ये कलर ठीक नहीं है, कोई और कलर देखते हैं। हाय। हाय, हु आर यू? मैं हूँ लकी। कल क्लास में ऊंचाई चौड़ाई लंबाई कमरा। क्लास में बहुत लोग होते हैं, क्या काम है? मतलब सब लोग ग्रुप के लिए ज्वाइन होते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ज्वाइन हुआ हूँ। आई लव यू। छी, कल मुझे देखा और आज तुम्हें प्यार भी हो गया? नहीं नहीं, कल से ही प्यार किया है। बेवर्स, दो डायलॉग से तुम्हारे कैरेक्टर का पता चल गया, तुम सुपर हो यार। क्या बात है लकी जी, सारी रात नाच के थक गए हो लगता है। हाँ, वो तो है यार। चलो फिर घर चलते हैं। सर अभी अगर मैं घर जाऊंगा ना तो मेरे पापा मेरी क्लास ले लेंगे। हाँ। फिर उनको हार्ट अटैक आ जाएगा और मुझे सर दर्द होगा। सही कहा, तुम घर गए तो तुम्हारे बाप क्लास लगा लेंगे और मैं गया तो मेरी बीवी क्लास लगाएगी। तो फिर क्या करें? कुछ ऐसा करते हैं कि तुम अपने बाप और मैं अपनी बीवी दोनों से बचने के लिए एक फैंटास्टिक प्लेस है, वहीं चल के दारू पीते हैं। चलो वेनिला जी, अपनी मजे करने वाली जगह चलो जी, राजा।
ए श्री, तू अपने भाई से मार खिलवाएगी, वो मारेगा तो मैं छोड़ दूंगा, देख तुझे कैसे अपना बनाता हूं। तेरे भाई ने क्लासरूम में शराब पीकर शोर मचाया। आहा, कितने अच्छे लड़के को पैदा किया है मैंने, इसलिए प्रिंसिपल ने फोन करके मेरी क्लास लगा दी। ये अच्छे से पढ़कर सेटल होगा सोचा था, तो उसे कोचिंग में ज्वाइन करवाया। फीस जमा कराई कोई फायदा क्या नहीं। क्या पापा, त्योहार के दिन भी आप। मैंने आपसे कहा था कि मैं ग्रुप कोचिंग करूंगा, इंसान जो पढ़ना चाहता है उसे वही पढ़ना चाहिए। आप अगर अपनी मर्जी चलाओगे ना तो ऐसा ही होगा। आपको क्या करना पसंद है बेटा? मैंने कहा कि मैं डिग्री करूंगा तो किसी के बीटेक बोलने पर आप मुझे बीटेक में बिठा दिए। हाँ, मैंने आपकी बात मानी, आपके लिए मैंने बीटेक भी दिल से पढ़ा, फिर आपके फ्रेंड का कोई लड़का ग्रुप लिख रहा है तो मुझे भी लिखने के लिए कह रहे हो। इसका मतलब सारी गलती मेरी ही है। तो और किसकी है? मैं अपने मामले में क्लियर हूँ, मुझे मेरे रास्ते छोड़ दो। क्या क्लैरिटी है तुझे, क्या क्लैरिटी है पता? रुक जाइए पापा, आप प्लीज ऐसे गुस्सा मत कीजिए। लकी, तुम भी चुप करो अभी। उस कार्तिक को देखकर कुछ सीख ले, तेरी और उसकी एक ही उम्र है, उसमें और तुझमें बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, क्यों नहीं रहेगा, वैसे भी सारे लोग एक जैसे थोड़ी ना होते, जिसका जो टैलेंट है वही होता है। तेरा टैलेंट तो मैं अच्छे से जानता हूँ, आज के बाद मैं तेरे ऊपर एक रुपया खर्च नहीं करने वाला हूँ। पढ़ाई छोड़कर शॉप में जाके बैठ। मेरी पढ़ाई पर आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद संभाल लूंगा। श्री, मेरी बात नहीं मानने वाले के साथ मैं बात नहीं कर सकता, माना जन्म दिया है तो अन्न भी दूंगा। पापा, आप मुझसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके लिए कुछ तो मिस हुआ है ऐसा फील हो रहा है। मुझे मेरी नजर से देखिए पापा, मैं आपको जरूर पसंद आऊंगा। मरने का मतलब सिर्फ सांसों का रुकना नहीं होता, अपने गोल से दूर होना भी होता है। वो बात मेरे पापा समझ लेते तो बहुत अच्छा होता। भैया, पापा से क्यों झगड़ा करते हो, उनकी बात सुन क्यों नहीं लेते? वो मुझे अच्छे से समझ तो सकते हैं ना। मैं कल चली जाऊंगी तो तुम कैसे रहोगे बताओ? तभी सोच लूंगा। वैसे तुम डल क्यों लग रही हो? मुझे सुनना पसंद नहीं कि सब तुम्हें बेवस कहते हैं। पसंद नहीं है मतलब? वो कोई गाली थोड़ी ना है, वर्ड सुने में अच्छा लगा तो लाइट ले लिया, उसके मीनिंग के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तुम्हारा गोल क्या है भैया? तुम्हें खुश देखना ही मेरा गोल है मेरी बहना। मुझे पता है तुम्हारा गोल क्या है, पता है मेरा गोल क्या है? तुम पापा का दिल जीत कर, पापा को मना कर, रेडी होके कॉलेज जाते वक्त पापा तुम्हारा बाहर वेट करके, उनके स्कूटर पे तुम्हें बिठाकर ले जाते वक्त मैं आंगन में खड़ी होके तुम दोनों को बाय कहना चाहती हूँ। अरे क्या पगली, बच्चों की तरह रो रही हो। अच्छा सुनो श्री, लाइफ में दो तरीके के लोग हमेशा खुश रहते हैं, एक वो जो फ्यूचर के बारे में नहीं जानते और दूसरे जो फ्यूचर डिसाइड करते हैं। पापा मुझे पहले तरीके वाले सोच रहे हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, दूसरे टाइप वाला हूँ, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, चलो पटाखे फोड़ते हैं। प्लास्टिक गो बैक, प्लास्टिक गो बैक, प्लास्टिक गो बैक। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब आपके जैसा करेंगे तो देश में पॉल्यूशन नहीं होगा। थैंक यू सो मच। ओके। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे प्लास्टिक यूज करके अपनी सेहत खुद ही खराब कर रहे हैं। सेहत खराब हुआ तो मेरा ध्यान रखने के लिए आप है ना? एए? अरे भाई क्या गलत कह रहे हैं मैडम, एक बात बोलनी थी मैडम, आपके साथ हम भी रहेंगे। एए, सिर्फ हेल्प नहीं करेंगे, दिल से हेल्प करेंगे। व्हाट डू यू मीन? होल्ड ऑन, आप लोग जरा हट जाइए। क्या रे प्लास्टिक गो बैक ये बोल रही है और तुम लोगों को फ्रंट देखना है क्या? मैं दिखाऊं क्या तुम लोगों को? देखना है क्या? भाई वो एक बार मार रहा है, तुम तीन बार क्यों मार रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपना कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही थी ना। बिना सेंस वालों के साथ न्यूसेंस की जरूरत है क्या? आप अपना काम करो, जाओ यहाँ से। मेरा क्या है? अरे मैडम का कॉन्सेप्ट क्या है, समझा क्या तुम लोगों ने? वो नहीं जानते क्या, पोल्यूशन की वजह से हमारा वातावरण खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से जानवर पशु पक्षी सब मर रहे हैं। अबे सुअर की शक्ल वाले, पोल्यूशन की वजह से वातावरण खराब होगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर बहुत हेट बढ़ रही है। अरे मैंने भी तो बीटेक किया है, लेकिन बेवर्स हूँ, रात भर मस्ती में पीकर अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाता हूँ, हैंगओवर होकर दोपहर के लगभग 1 o'clock या 2 o'clock को उठकर डायरेक्टली लंच करके रोड पर आवाराओं की तरह घूमकर टाइम पास करके फिर शाम होते ही किसी अच्छे से बार में चले जाते हैं और दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। चंदे में मिला हुआ बजट कितना है तो उससे मुझे फुल आएगी या फिर हाफ आएगी या क्वार्टर आएगी, ऐसा सोचकर मैं अपनी जिंदगी मजे में जी रहा हूँ। ऐसी जिंदगी जीने वाला मैं, मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए ऐसा सोचने वाला, तो मुझे हैंगओवर के पैक की तरह एक अच्छी लड़की दिखाई। अब मेंटली मैं फिक्स हो गया हूँ,
अब तुम लोग मैं जिस लड़की पर लाइन मार रहा हूँ उसके फिगर को देख कर छेड़ रहे हो तो मैं भला कैसे चुप रह सकता हूँ? इतना आसान मत समझ। मैडम ये तो बहुत चिचोरा लग रहा है मैडम। भाई आप ठीक है भाई? ए, इसे बाद में देखते हैं, भाई ने फोन किया, अभी चलते हैं। फिर मिलेंगे। वो लोग तो बेचारे मुझे समझने की कोशिश कर रहे थे, तुमने गुंडागर्दी की। आई हेट यू। ओए आराध्या, उन लोगों को तो समझ में नहीं आया लेकिन तुम तो अच्छे से समझ गई ना। ग्रुप में हमें ही टॉप होना होगा। नमस्ते मैडम। कौन है यार ये? तेरी पायलट ट्रेनिंग कोचिंग की डिटेल्स मैंने पता कर ली है। 3.5 लाख का खर्च आएगा और हॉस्टल की फीस अलग से लगेगी भाई। अबे फीस मांगूंगा तो पापा गला दबा देंगे। ठीक है मैं संभाल लूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में पायलट ट्रेनिंग करने के बारे में सोचा था, रोज कुछ करेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, ऐसा ही सोचा था। लेकिन कमा कर पढ़ाई करना उतना आसान नहीं है, पता नहीं ये मामला कहां तक जाएगा। पापा मेरी बात तो सुनिए। तू इसका भाई है, किसी को पता चलेगा तो इसकी शादी कभी नहीं होगी। अच्छा आपको पसंद आए तो बस, उसकी पसंद का कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी बेटी है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा वो मुझे पता है। पापा क्या भैया? पापा मेरी शादी के मामले में भाई से झगड़ा मत कीजिए प्लीज। पापा को तो कार्तिक पसंद है लेकिन भैया को कार्तिक पहले से ही पसंद नहीं है। इस शादी की वजह से घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे ही ये सब खत्म करना होगा। लोकल बैंक बेस्ट है, ओल्ड बैंक करेक्ट। मास्टर जी, हाँ। अब वो सब क्या है, नौकरी का आवेदन है क्या? हाँ जी, मेरे बेटे ने बीटेक किया है, उसे तुरंत गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और वो लाइफ में सेटल हो जाए। कोई ऐसा जॉब हो तो बताइए ना। मैंने तो अपने बेटे को एमटेक, बीटेक, सी+, जावा, ओरेकल, .NET, बीफॉर्म, एमफॉर्म, दुनिया की सारी पढ़ाई करवा डाली। अरे बाप रे, तब तो बहुत बड़ी नौकरी करता होगा। जो मिला वो नौकरी कर लेगा बेटा। उसने कहा कि जब तक मेरे स्टेटस की नौकरी नहीं मिलेगी वो नहीं करेगा। उसका खर्चा उठा उठा के सर के सारे बाल झड़ गए। मैं चलता हूँ। आराध्या, इस दुनिया से प्लास्टिक को ही हटा दूंगा। सी? सिर्फ प्लास्टिक ही क्यों, सारा कचरा हटा दूंगा। ए, इधर। तुम वहां से कचरा क्यों उठा रहा था? क्या कर रहा है उसका तुझे? वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी से प्यार करता है। उस है? लड़की को फालतू के कचरे से खिलौने बनाना पसंद है, इसीलिए उसे इम्प्रेस करने के लिए वो ये सब कर रहा है। नमस्ते बेटी। नमस्ते सर, मेरा नाम सत्यमूर्ति है, मैं लकी का फादर हूँ। ओ बैठिए। कोई बात नहीं, आपके पापा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मेरे बेटे को मैंने आपके इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करवाया। मेरा बेटा बहुत बड़ा बेवर्स है, वो पढ़कर अपने पैर पे खड़ा होगा ऐसा सोचा था, लेकिन अब वो तो आपके पीछे पड़ गया है। मेरी भी एक बेटी है और उसकी शादी करवाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। इस उम्र में पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना मुझे पसंद नहीं है, तो उससे थोड़ा दूर रहो बेटी। अब पता चला ना वो कितना बड़ा कमीना है? मेरी बात पे यकीन नहीं था ना? उसके बाप के ही मुझसे सुन लो, डैडी नेक्स्ट वीक दुबई से इंडिया आ रहे हैं।
उनके आते ही तेरी और राहुल की शादी करवा देंगे, समझ गई ना? तुम्हारी तरफ से कॉल आएगा ये मुझे पता तो था, लेकिन वो इतनी जल्दी आएगा ये मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बोल दो प्लीज। वो बात अगर बोल दो तो इवनिंग में मेरे दोस्तों के साथ। तुम्हारे पापा मेरे घर आए थे। अरे बाप रे, उन्होंने जो भी बोला होगा उसे दिल पे मत लेना। हाँ, उन्हें आर्ट फिल्में बहुत पसंद है और मैं मास फिल्म के जैसा हूँ, मैं उनके अलावा सबको पसंद आता हूँ। फिल्म अच्छी हो तो 2 घंटा थिएटर में बैठते हैं, हमेशा के लिए तो वहाँ नहीं बैठ जाते ना। सुनो मिस्टर, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, इसलिए प्लीज अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, वापस बोलो तो जरा। तुम नहीं बदलोगे। हे, मैं जा रही हूँ। हे, दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो बेकार होती है, बस दिल होना चाहिए, ऐसा बोली थी। इस्तेमाल करके फेंका हुआ तेल का डिब्बा भी कोक टिन के रूप में खूबसूरत बनाने वाली तुम। मैं तो एक इंसान हूँ, मुझ में फीलिंग्स भी हैं, मुझे बदल पाना बहुत आसान है। ए, तुम कुछ बोलोगी ऐसा मैं एक्सपेक्ट करके आया हूँ, ऐसे बिना बोले जाओगी तो मुझे बहुत दुख होगा। मेरे डैडी ने मेरी शादी फिक्स कर दी है, इसी महीने मेरी शादी हो रही है। अब तुम हटो। जब आराध्या को मैंने पहली बार देखा था तब वही मेरी दुनिया है ऐसा सोचा था, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई तो मेरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई ऐसा लगा। लेकिन मुझे पता था कि मेरी प्यार की कहानी का अंत ऐसा नहीं है। Cheers! 100 रुपए देकर फिल्म देखेगी कह रही है, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करेगी कह रही है। अरे शांत हो जाओ लकी, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन में समझ रहा हूँ। उस लड़की ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में वो तुमसे बहुत प्यार करने वाली है। वो मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार कहाँ करती है वेनिला जी, वो तो मुझे छोड़कर शादी करने जा रही है। ये क्या ट्विस्ट है लकी? वेनिला जी, इस टाइम मुझे नॉर्मल मूड में आने के लिए कोई अच्छा एंटरटेनमेंट चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। इस टाइम पे फ्री का एंटरटेनमेंट मतलब तमन्ना को आना ही होगा। ऐसी बात है तमन्ना? अरे बेटी क्या किया?
का क्या? तू मुझे छोड़ के चली गई है, ऐसा क्यों किया बेटी? ऐसा क्यों किया? मेरी बेटी को मत ले जाओ, मत ले जाओ बेटी, बेटी ये क्या किया बेटी? श्री की मौत देखकर लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं अनाथ हूं ऐसा महसूस हुआ। श्री मुझे मां बनकर समझाती थी, लेकिन उसके बिना कैसे जीना है वो नहीं बता कर गई। अब लाश वो नहीं है, मैं हूं। मैं यहाँ आने वाली थी अंकल, लेकिन फिर अचानक पापा को हार्ट अटैक आ गया तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अगर मैं आ जाती तो ये सब नहीं होता ना। अरे ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमारी किस्मत थी। वैसे भी उसे शादी करना पसंद ही नहीं था, वैसे वो एक बार बता देती तो अच्छा होता। एक बार अगर बता देती कि उसे हमें छोड़कर जाना है, वो बताए बिना अपने सारे दुख दूर करके वो इस दुनिया से चली गई। श्री ने ऐसा क्यों किया कल्याणी? ऐसी कोई बात है जो हम नहीं जानते? ऐसी कोई बात नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं था उसकी लाइफ में जो आप नहीं जानते। ए श्री, मुझे बाहर जाना है, 500 रुपया देना। अरे वाह, तो मेरी जान है।
हेलो कैसी हो सोना? हाय डैड, हाउ आर यू? क्या बेटी, राहुल से मिलने जा रही हो? हाँ उससे ही मिलने आई हूँ। अब शाम में आ रहे हैं ना डैड? मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा बेटी। बाय बेटी। ओके डैड, बाय। हाँ यार आधिया। हेलो। ओह सॉरी, गलती से हो गया, तुम्हारे हाथ को माउस समझ लिया। हंसने वाला तो कोई सीन हुआ ही नहीं। अब तो मुझे बिना जोक के भी हंसने की आदत सी पड़ गई है, लाइक एडिक्शन। थैंक यू। ओके, आपकी हॉबीज क्या है? लर्निंग न्यू कोर्सेज, सर्चिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। But I'm asking about your hobbies, not about your profession. मेरे लिए दोनों एक ही है, सॉफ्टवेयर हूँ ना। पागल है ये तो। आपकी हॉबीज क्या हैं? लोग जो प्लास्टिक यूज करके फेंक देते हैं, मैं उनसे काम की चीजें बनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में बेकार कुछ भी नहीं है। नो 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 नो, फॉरेन में तो यूज एंड थ्रो कल्चर है। नो 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 नो, यू बेटर क्विट इट नाउ। बट इट्स एन आर्ट एंड आई लव इट। देखो मैं मुद्दे पे आता हूँ, सर्टिफिकेट लाई हो क्या? सर्टिफिकेट किसके लिए? तुम्हारा स्टडी सर्टिफिकेट, मास्टर हेल्थ चेकअप रिपोर्ट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। हेलो, तुम्हारे भाई ने बताया नहीं क्या? इन सब की क्या जरूरत है? हेलो, ये सब फेक सर्टिफिकेट ना इंडिया में ही चलता होगा, लेकिन फॉरेन में नहीं चलता है। वो लोग हर एक चीज का चेकअप करने के बाद ही ओके करेंगे, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। हाँ ठीक है, एक मिनट। इस कागज में मैंने पूरा प्लान लिख दिया है। सॉफ्टवेयर हूँ ना। आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जब मैं वीकेंड में घर आऊँ तो घर में कोई तो होना चाहिए ना, सॉफ्टवेयर हो ना। ओके राहुल, मेरी क्लास का टाइम हो गया है, वील मीट सम अदर डे। ओ एक मिनट। हाँ, पे योर कॉफी बिल, हमारा मैच अभी फिक्स नहीं हुआ है। आई एम वेरी पर्टिकुलर इन फाइनेंशियल मैटर, यू नो। गुड, कीप इट अप। आई लव मनी। पांडू कहाँ गया? जब से आपके बहन मरी वो भी नहीं दिख रहा है। मैं सच कह रहा हूँ भाई। उसका नंबर बताओ। हाँ भाई, उसका नंबर लीजिए। बहुत जल्दी। भाई, वो लकी आपको ढूंढ रहा है। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं मिलूंगा। भाई, वो वहाँ देखिए, उस दिन वाली लड़की। नमस्ते मैडम, हमें पहचाना? नहीं। याद है मैडम, उस दिन हम लोगों ने प्लास्टिक की बोतल फेंकी थी और आप हमें समझा रही थी। हाँ हाँ, याद आ गया। उस दिन वो लड़का हमें मार रहा था ना, तो आपका चेहरा देख के हमने उसे छोड़ दिया। आई एम सो सॉरी, बुरा मत मानना। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अपने पिताजी का आखिरी सपना पूरा करने के लिए। मेरे पिताजी आपके जैसे कलाकार हैं, कुछ चमत्कार करेंगे ऐसा सोचकर प्लास्टिक इकट्ठा करके ऊपर चले गए। अच्छा। उनके एक अच्छा सा खिलौना बनाकर सेल्फी लेकर फेसबुक पे अपलोड करेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं मैडम। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत सारा प्लास्टिक चाहिए। आप हमारे साथ चलिए, हमारे गोडाउन में खूब सारा प्लास्टिक है। ठीक है। आइए मैडम, अंदर आइए। आ जाइए, आ जाइए। हाँ अंदर आइए, सब मिलेगा आपको, प्लास्टिक ही प्लास्टिक। आइए। प्लास्टिक तो दिख नहीं रहा। आपके सामने प्लास्टिक कौन देखेगा? मैंने कहा था ना भाई, ऐसे लोग पढ़ाई में टॉप होते हैं पर कॉमन सेंस नहीं होता। देख मुझे। I'll complain to the police. मैडम कंप्लेंट हो गया। ए फालतू का चिल्ला मत हमारे सामने, चुपचाप कोऑपरेट कर वरना काट के जिंदा काट दूंगा। बोटी खा के बोतल खाली करने तक डिसाइड कर ले। दिन जगह तेरी थी इसलिए तुझसे हम मार खा लिए, आज हमारी जगह, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, फंस गया ना हमारे जाल में। सचिन को सेंचुरी मारने के लिए ग्राउंड मुंबई में ही हो ये जरूरी नहीं है। पावर स्टार के फिल्म रिकॉर्ड बनाने के लिए सिर्फ त्योहार के दिन रिलीज होनी जरूरी नहीं है।
सुन लिया ना मैंने कितने स्पॉट में बोला पंच अच्छा था ये, ये कैसा पंच है? ऐसा पंच तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। ये पंच देख बहुत जबरदस्त है। देख मेरे हाथ में डंडा है अब तो तू गया काम से। क्या बात करनी है? चला बोल क्या बात करनी है तुझे बोल। और कुछ बोलना है? सब खत्म हो गया ना? पूरा नशा उतार दिया भाई। लगता है इसको अलग से मस्का मारना पड़ेगा। ए जाने, ए जल्दी कर। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, हम दोनों के बीच ये सब क्यों? आप तो और भी। तुम्हें मैसेज कर दिया तो उसे प्यार मत समझना। चाहे कुछ भी हो तुम्हारे काम तो आया ना, और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो तो और काम आ जाऊंगा। एनीवे थैंक यू बाय। एक बार इसका चुम्मा लूंगा ना तो सब सही हो जाएगा। रुक जा भाई, स्कैम करके जैसे सीएम बन जाते हैं वैसे खूबसूरत लड़की तुम जैसों से कैसे पड़ जाती है? ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ऐसा करोगे तो मुझे रोक दोगे क्या? बिल्कुल रुकूंगा, हो सकेगा तो मार भी डालूंगा, लेकिन तुझे लड़की नहीं पटाने दूंगा। अगर वो पट गई तो? नहीं पटाने दूंगा। आपकी लड़की पट गई तो? अपनी बेटी की शादी भिखारी से कर दूंगा, लेकिन तेरे जैसे लड़के से बिल्कुल नहीं। क्या कहा? आज तक के प्रोफेशन में जेब सेटिस्फेक्शन के अलावा जॉब सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिला। दोबारा आपसे सुना, एक बार फिर से बोल दीजिए, फिर से बोलिए प्लीज, फिर से बोलिए ना, एक बार बस एक बार। अपनी बेटी को भिखारी से? एक बार और बोलिए। ससुर जी मैं आपसे दान नहीं मांगूंगा, कन्यादान मांगूंगा। पुलिस वाले को जैसे ड्रग्स वाला मिल जाता है ना, तो बिल्कुल वैसे मिला है मुझे। ससुर जी ऐसा मत बोलो, माँ बाबा चाचा जी इन सब के अलावा ससुर जी ऐसा बोलकर मैंने किसी को नहीं बुलाया है। फर्स्ट टाइम किसी को ससुर जी बोलने का मुझे मौका मिला है आज। भैया ससुर जी नहीं मारो मत, ससुर जी अरे मारो मत, मार क्यों रहे हो ससुर जी? हेलो लकी जी कहाँ हो? बेवकूफ लोगों से इरिटेट हो गया हूँ यार, थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है, इसीलिए तीन हाफ लेके आया हूँ, आओ मारते हैं। आप सुपर हो वेनिला जी, आपके पैक बनने से पहले ही वहाँ जाऊंगा। ओम श्री अभ्यो नमः। सुनिए आचमन कीजिए, शुरू करें क्या? एक मिनट पंडित जी, मेरा बेटा आता ही होगा। चीयर्स। क्या वेनिला जी दोपहर में ही शुरू कर दिया? बीबी मायके गई है तो क्या सुबह क्या शाम, बीबी के मायके जाने के बाद आई लव पार्टी। मुझे आपकी लव स्टोरी सुननी है वेनिला जी। मेरी तो आउटडेटेड लव स्टोरी है भाई, तुम्हारी इंटरेस्टिंग होगी, अपनी लव स्टोरी सुनाओ ना, मैं सुनता हूँ। खाली होकर कॉल करती हूँ ऐसा बोलती है? हाँ। अब शहर में इतने सारे लड़के जब उसके पीछे पड़े हुए हैं तो मदद के लिए मुझे क्यों कॉल करती है? अच्छा लेडीज सब ऐसी ही होती हैं, आप एक लड़के की हेल्प करो वो जिंदगी भर याद रखेगा। करेक्ट। वहीं एक लड़की की हेल्प करो प्रॉब्लम में होगे तो भी फोन नहीं करेगी। बिल्कुल करेक्ट। आई हेट गर्ल्स, खास करके अपनी वाइफ को। वो भी तो वैसी ही है, बहुत नाटक करती है। इस बार अगर मिलेगी ना तो बहुत जोर का चुम्मा दूंगा और तब स्टार्ट होंगी उसके अंदर फीलिंग्स। वो देगी क्या? हाँ मैं ले लूंगा। बाप रे तुम तो बहुत खतरनाक हो। ओम सुस्थापनाय नमः। सुनिए आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? अरे रे 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 दिल तो पागल है जी, ऑमलेट लेके आया हूँ लकी जी। लकी जी आपकी सिस्टर की मौत के दिन मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाया था, आई एम वेरी सॉरी यार। डोंट बी फॉर्मल वेनिला जी। ओके। वैसे अब हॉस्पिटल में क्यों थे? वो उस दिन जब मैं थका हारा घर पहुंचा, मेरी बीवी ने खाना नहीं बनाया था, इसलिए मैं बहुत गुस्सा हो गया था जी, वैसे ही चला गया। इतनी छोटी सी बात के लिए आपने अपनी बीवी को हॉस्पिटल जाने जैसा मारा? हॉस्पिटल जाने जैसा मारूंगा तो मैं पुलिस स्टेशन में रहूंगा ना, हॉस्पिटल क्यों जाऊंगा? तो फिर? क्योंकि उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, वो भी बहुत गुस्से में थी, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर इससे पहले आपने शादी तो पार्क में वॉकिंग की तरह होती है ऐसा बोला था? अभी वही कहता हूँ लकी जी, वो क्या है ना जुरासिक पार्क में वॉकिंग जैसा है। आप घबराइए मत, आपकी तो
रोमांटिक पार्क में वॉकिंग करने जैसी होगी लाइफ। आप तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं वैनिला जी। अरे मेरी नजरों से देखो लकी जी, आप और आराध्या राजा मौली की फ्रेमिंग में एक दूसरे को पकड़ के डांस कर रहे हैं, बिल्कुल 70 mm के जैसा नजर आ रहा है। आज क्या था तुझे पता नहीं था क्या? पता था। फिर जानबूझकर क्यों नहीं आया तू? पापा वो बात ही है कि... बेकार बहाना मत बना। तेरी बहन के आखिरी कार्यक्रम से बढ़कर ऐसा क्या हो सकता है ये बता दे मुझे तू। पापा ये मेरी नजरों में श्री का कोई आखिरी कार्यक्रम नहीं है। खाना खा लो कहता था तो वो कहती थी भैया के खाने के बाद, कपड़ा ले ले तो वो कहती थी भैया के लेने के बाद लूंगी। उसे समझ में आ गया कि मैं एक को ही पढ़ा सकता हूँ तो उसने अपनी पढ़ाई तक रोक दी। घर चलाने के लिए एक और सहारे की जरूरत थी तो उसने अपने कदम घर से बाहर निकाले। तुझे तेरी माँ ने 5 साल पाला लेकिन श्री ने तुझे 20 साल माँ जैसे पाला। ऐसी बहन अनजाने में मर गई तो भी तेरी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं टपका। अपने बेकार के काम नहीं रोक पाए तू और आज उसके लिए आखिरी पूजा रखी थी उसमें भी नहीं आया तू। इसका मतलब अब तू इस घर में नहीं रह सकता है, निकल जा। पापा पापा मेरी बात तो सुनिए, निकल जा। कहां जाऊं मैं, हाथ में जॉब नहीं है, बिजनेस करूं ऐसा दिमाग नहीं है, ना जेब में 100 का नोट है। चलो जाने तो दोस्तों से मांग लूंगा सोचो तो उनके पास भी नहीं है, घर के आसपास में कोई बार भी तो नहीं है। वैसे भी ठुकरा कर जाने के बारे में सोचो तो एक तरफ ठंड दूसरी तरफ चोर और एक और पुलिस खड़ी है। मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। दरवाजा खोलिए पापा। पापा आजकल उनके क्लासेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तुम नहीं रहोगी तो मैं घर पे नहीं आऊंगा। पापा तो तुम्हारे भले के लिए कहते हैं भैया, मुझसे वादा करो किसी भी कीमत पे घर छोड़ के नहीं जाओगे। तुमने मुझे वादा किया है ये याद रखना। अरे इतना ज्यादा पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा। जब जीने का मकसद ही नहीं बचा तो लीवर खराब हो क्या होगा। देखो तुम्हें मैं इस बार में देखूंगा कभी सोचा नहीं था। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। श्री के जाने के बाद तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ। श्री के जाने के बाद 25 साल पहले की दारू आज मेरे लिए दवा बन गई है यार। तकलीफ का मतलब मरना नहीं होता है भाई, जान से ज्यादा प्यार किए गए लोगों को अपने से दूर होना और फिर नरक भोगना, बस वही झेलना पड़ता है हमें और वही नरक मैं झेल रहा हूं मेरे यार। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। जिंदगी में अब कोई उम्मीद बची नहीं है भाई, तो मौत मुझे क्या डराएगी। श्री के जाने के बाद मुझे मौत के नाम से भी नफरत हो गई है। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा दुख दूर हो जाए। इस वक्त कहां गए होंगे पापा? बोलो भाई। अरे गंगा पापा शॉप में आए हैं क्या? नहीं शॉप में तो नहीं आए। हाँ बोल भाई। अरे डोलू पापा को कहीं देखा है क्या? नहीं यार तेरे पापा को तो नहीं देखा मैंने। यार एक छोटी सी बात बोलनी है, मेरे पास हाफ है, तू थोड़ा लेकर आएगा तो फुल हो जाएगी, क्या बोलता है? इतनी जल्दी शादी मत करवाओ पापा, एक बार तो ऐसा बोलना चाहिए था ना बेटी।
माँ के मरने के बाद मैं वैसे आधा मर गया था रे। अब तूने मुझे पूरा मार दिया बेटी। पापा पापा उठिए पापा पापा। तेरे जाने के बाद मैं भी ऊपर आने की सोच रहा था बेटी, लेकिन उस नालायक की वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है। क्या करूं बेटा जो है मेरा। दुबई में आपका बिजनेस कैसा चल रहा है डैडी? एब्सोल्युटली कूल बेटा, अपने कॉलेज में सारी फैकल्टी अच्छे से काम कर रही है ना? ठीक चल रहा है, सब कुछ मम्मी संभालती हैं, मैं तो बस पढ़ाने का काम करता हूँ। कैसी हो बेटी, कॉलेज से हो? Yes, Dad. What about Rahul? No, Dad. वो मुझे पसंद नहीं आया। राहुल में क्या कमी है? किसी चीज की कमी की बात नहीं है भैया, इट्स अ मैटर ऑफ लव एंड अफेक्शन। सुन, तुझे पसंद आए या ना आए, राहुल ही इस घर का दामाद है। लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए ऐसा राहुल सोचता है, और लाइफ ब्यूटीफुल होनी चाहिए ऐसा मैं सोचती हूँ। राहुल के साथ ही तेरी लाइफ कंफर्टेबल होगी, समझ नहीं आता कितनी बार बोलूं मैं। मुझे कंफर्टेबल लाइफ नहीं चाहिए भैया, एक हैप्पी लाइफ चाहिए। लाइफ में हम जो सोचते हैं वो सब नहीं होता बेटा, कुछ बातों में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। ए, किसने बनाई है कॉफी? इडियट, शिट। बेटा, कॉफी के लिए तुम कॉम्प्रोमाइज तो करना नहीं चाहते, और तुम चाहते हो कि पूरी जिंदगी ये कॉम्प्रोमाइज करे। बेटा, तुम्हारी स्कूलिंग भी तुम्हारे पसंद से ही हुई है, तो फिर तेरी शादी भी तेरी पसंद से ही होगी, भूल जाओ राहुल को। थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच। डिसीजन इसके ऊपर छोड़ के आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं डैड। अजय, चाहे ड्रेस का मामला हो, स्कूल का मामला हो, चाहे कोर्स का मामला हो, हमने हर बात में आज तक उसका डिसीजन पूछा है, तो फिर शादी के मामले में क्यों नहीं पूछना चाहिए? जिसकी लाइफ होती है डिसीजन भी उसी का होना चाहिए। राहुल बहुत संस्कारी है डैड। बेटा, संस्कार का मतलब लड़कियों के पीछे घूमने वाला नहीं, 10 लड़कियां उसके पीछे पड़े तब भी ध्यान नहीं देता। हमारी बेटी ऐसे किसी लड़के को पसंद करती होगी। आराध्या के पीछे कौन पड़ा है पता है आपको? पता है। कैसे? अरे मैं तो बस फैमिली से दूर हूँ, कोई छोड़कर थोड़ी गया। वो फ्लेक्सी प्रिंट करने वाला है डैड। अरे सत्यमूर्ति, उसका समय ठीक नहीं था इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर या अयोग्य है, उसके लड़के को आराध्या ने पसंद किया है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। शादी के मामले में आराध्या का डिसीजन लास्ट होगा। तुम्हारी ग्रीनरी तो कमाल की है, मैं किसी से भी शादी करूंगा तो खुश रहूंगा, मुझे ऐसे रंग बदलना नहीं आता है। लेकिन तुम मेरे अलावा किसी और से शादी करोगी तो खुश नहीं रह सकोगी, क्योंकि तुम जैसी लड़की को मेरे जैसा फालतू लड़का ही संभाल सकता है। हेलो, लकी जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, बोलो। क्या कर रहे हैं आप? सिगरेट पी रहा हूँ। सिगरेट? आई हेट स्मोकिंग, मुझे सिगरेट बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी, इसलिए इसे जला कर पी रहा हूँ। और क्या करने वाले हो? कल से इंस्टीट्यूट जाना भी बंद कर दे रहा हूँ। अरे रे, ऐसा क्यों? लड़कों के लिए इससे ज्यादा पढ़ाई करना ठीक बात नहीं है, ये कहकर पापा ने मुझे रोक लिया। अरे आप तो मजाक करने लगे। सामने वाले की किस्मत खराब हो तो हर किसी को मजाक ही लगता है। बेवर्स कहीं का लगता है खराब मूड में है। अरे बहू बोलो क्या बात है? माताजी पहले कुमकुम लगा देती हूँ। व्रत रखा है क्या कोई तुमने? अरे नहीं नहीं। अच्छा, मेरे बेटे ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है यूट्यूब पर डालने के लिए, जल्दी ही देखना, बहुत बड़ी हिट हो जाएगी। अच्छा, अच्छा। शाम को उसे देखने आना। हाँ, ठीक है ना? आऊंगी। वंदना, हाँ? मेरे बेटे ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है और शाम को उसका शो रखा है, उसे देखने जरूर आना घर पर। ठीक है भाभी, जरूर आऊंगी। कैसी हो आरती? माताजी चाय लीजिए। हाँ चाय लीजिए भैया। कॉफी की क्या जरूरत थी? अच्छे से इंजीनियर बनकर किसी बड़ी कंपनी में कोई अच्छी नौकरी करो, ये क्या फिल्म का चक्कर पकड़ा हुआ है? दूसरों की तरह मैं जॉब चेंज नहीं करना चाहता, इसीलिए अपनी मन की कर रहा हूँ। ऐसा क्या?
कॉफी बहुत अच्छी है ना? अरे बाप रे, मेरे बेटे ने शॉर्ट फिल्म दिखाने के लिए इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर रखा है। आप लोगों ने चाय कॉफी कुछ नहीं? अरे बिस्किट लीजिए ना, बिस्किट। ये बताइए और कितनी देर लगेगी, जल्दी से शो स्टार्ट कीजिए। अरे नागराज जी, आप बड़ी जल्दी में हैं। अच्छा रेटिंग दूंगा मैं। ओ, रेटिंग देंगे? चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। अरे फिल्म शुरू हो गई। अरे वाह, मैं और कितना वेट करूं डार्लिंग? अरे हम कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं बेबी। थोड़ी देर में मेरा पति आ जाएगा। तो क्या करें? उड़ा देंगे। वाओ, ये हुई ना बात। अरे रे। अरे भाई, पहले टीवी ऑन करो, टीवी ऑन करो पहले। यार एक मिनट रुकिए तो सही। अरे कर रहा हूँ ना। मेरे अकेले का राज बाहर आने से नहीं चलेगा। अरे भाई साहब, सुनिए तो सही, सुनने वाला हूँ। अरे क्या हुआ? टीवी ऑन कर रहा हूँ ना, आप क्यों? अरे अरे कर रहा हूँ ना। पवित्रा, पवित्रा, अरे सब्जी काट रही हो क्या? क्या हुआ बेटी, मुंह क्यों लटकाया है? कुछ नहीं मौसी, सासू माँ का हुक्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मैं। मन तो करता है कि उनका गला दबा के मार दूँ। अरे तो सोच क्या रही है, सच में गला दबा दे उसका। अरे किसी को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? हाँ, मैंने भी अपनी सास को गला दबा कर मारा था, आज तक किसी को पता चला क्या? अरे बाप रे, तेरी माँ का पेट जले, अपने बेटे ने सबकी वार्ड लगा दी। अरे बाप रे, माफ कर दो, गलती हो गई। अरे बाढ़ में जाइए, फिल्म बनाना, हालत खराब कर दी हमारे बेटे ने। तो हमारी फोटो क्यों खींच रहा है? डैडी, इसका सीक्वल बनाऊंगा। सीक्वल बनाएगा? अब इससे भी ज्यादा मार खिलवाना है क्या तुझे? तो मैं रुक जा, बताता हूँ। सर कुरियर, सर कुरियर आया, यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। लक्ष्मण मूर्ति, सन ऑफ सत्य मूर्ति, पायलट ट्रेनिंग। अचानक ये पीएफ का पैसा क्यों विड्रॉ कर रही हो बेटी? छोटा सा काम है पापा। श्री, हाय अंकल। तुम यहाँ क्यों आई हो बेटी? लकी घर में नहीं है क्या? नहीं। वो फोटो वाली लड़की मेरी बेटी है। ये कैसे हुआ अंकल? क्या बताऊं बेटी, कैसे हुआ ये सब? उम्मीद की थी कि शायद बहन के जाने के बाद वो बदल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अरे चलना मारना। तुम तो बहुत खुश लग रहे हो। तुम्हारी बहन की जान चली गई तब भी? ए, कॉर्नर के कॉइन को मारना। मैंने इस बारे में सुना तो मुझे बुरा लग रहा है। और तुम 20 साल अपनी बहन के साथ रहे, पले बड़े, फिर इतने खुश कैसे हो? ऐसे करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वैसे भी तुमसे कुछ कह के क्या फायदा? शी, दुनिया में पैदा होना आसान है, पर जीना कैसे है ये तय करना मुश्किल है। तुम्हें तो लगता है कि आज तक प्यार, दर्द और जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं हुआ है। I really pity you. फेसबुक कोटेशन तो बहुत ही अच्छे से बोल दिया। अपने शादी का कार्ड देकर चुपचाप निकल जाओ। ऐसे तो मुझे कचरे से भी प्यार हो जाता है, लेकिन तुम्हें देखकर तो मुझे तुमसे सिर्फ नफरत हो रही है। शी। हाँ बोल। कहाँ पर हो भाई? मैं जरा बाहर हूँ, दुकान में जल्दी से आओ। मास्टर जी, हेलो मास्टर जी, सुनिए मास्टर जी, मास्टर जी कैसे हो आप? मैं ये पूछना तो भूल गया कि आपका बेटा कैसा? उसने खूब पढ़ाई की तो हो सकता है उसको अच्छी नौकरी मिल गई हो। ये क्या, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप? मार दिया जी। क्या कह रहे हो आप? मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया। ये आप क्या कह रहे हो मास्टर जी? हाँ मास्टर जी, उसकी मर्जी से उसे छोड़ दिया होता तो वो अपनी पसंद की नौकरी करके खुश रहता। ये पढ़ वो पढ़ बोल के सारे फालतू की पढ़ाई मैंने पढ़ाई, जान ले लिया। आखिर में उसे परेशान होकर के
आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। अपने जवान बच्चे को खो दिया मैंने। भाई भाई बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, पापा कुछ और सोच रहे थे। वो कॉर्पोरेट की वोटिंग लिस्ट में घर का नाम बदल गया तो वो लोग फोन करके धमकी दे रहे थे। मुझे तो डर लग रहा है कि यहाँ के लफड़ा ना करें। कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लेता हूँ, लेकिन पापा को मत बताना। ठीक है भाई। ये बंडल कैसा है? दो हफ्ते पहले ऑर्डर किया था, अभी तक लेकर नहीं किया गया। किया था भाई, स्विच ऑफ आ रहा है। तो फिर यहाँ क्यों? ले जाकर बाजू में। ठीक है भाई। मेरा नाम क्या है रे? और तुमने छापा क्या है बे? गंगा अर्जुन नाम था और तूने गंगा आकाश छाप दिया। तेरी वजह से मेरी इज्जत गई और अब मुझे टिकट नहीं मिलेगी। कहाँ है तेरा बाप? भाई भाई भाई, बाय मिस्टेक हो गया है भाई, चाहो तो रीप्रिंट कर दूंगा। ए, फिर से प्रिंट करने से भाई के मान सम्मान इज्जत वापस आ जाएगी क्या? भाई बस एक बार के लिए छोड़ दो ना, फिर ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अपोजिशन वाले जैसे तुम बाप बेटे दोनों मेरे पीछे पड़े हो। तेरे बाप और तुझे बहुत चांस दिया हमने, अब छोड़ेंगे नहीं। मारो 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 मारो। क्या भाई, उन लोग को ऐसे क्यों छोड़ दिया आपने? चुपचाप मार खा लिया इसलिए वो बात मुझ तक ही रहेगी, कम से कम पापा को तो पता नहीं चलेगी। वो आपके प्रिंट हुआ पिक्सल का नाम बदल गया था ना, तो वो लोग यहाँ आए और भाई को बहुत मारे। वो लोग तुझे जानवरों जैसे मार रहे थे, तू ये नहीं बोल सकता था कि तूने कोई गलती नहीं की है? अगर ये गलती मैंने की होती तो आप ऐसे ही बोलते क्या पापा? अरे मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, तुम्हें बाद में फोन करता हूं प्लीज। कौन सी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो? मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाऊंगा। उसके लिए मैं दो हफ्तों से इंतजार कर रहा था, वो मुझे अभी मिला है। वो मिस हुआ तो फिर नहीं मिलेगा, प्लीज हट जाओ। कौन है वो तुम्हारी तरह बेवर्स? तुम्हारे इन कामों की वजह से ही तुम्हारी बहन ने सुसाइड कर लिया। तुम्हें कुछ पता है क्या? अगर मेरी बहन के बारे में कुछ बोला ना तो मार डालूंगा तुम्हें। मैंने ऐसा क्या गलत कहा? हाँ बोलो। तुम्हारा जैसा भाई जिसका भी होगा उसकी बहन सुसाइड ही करेगी। तुमने देखा क्या? तुमने देखा क्या कि मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली? मेरी बहन श्री ने आत्महत्या नहीं की, उसे मारकर आत्महत्या के नाम से फांसी पर लटका दिया गया। उसके साथ क्या हुआ था लकी? श्री मरी उस रात को। हेलो, सत्यमूर्ति जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी बोलिए। अर्जेंट फ्लेक्सी प्रिंट करना है, कल सुबह तक डिलीवरी देंगे तो डबल पेमेंट दूंगा मैं। आप वहीं शॉप के पास वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। क्या हुआ पापा? किसी को अर्जेंट फ्लेक्सी चाहिए बेटा, तो मैं जरा जल्दी जाके आता हूँ। पापा आप अभी आए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए ना। वो लोग बोल रहे थे कि वो डबल पेमेंट देंगे बेटी, हमें भी शादी के लिए पैसों की डबल जरूरत है ना। ये बेवर्स कहाँ चला गया कुछ पता नहीं, फोन भी नहीं उठा रहा है। ये देखो कहीं पी कर पड़ा होगा, मजे कर रहा होगा। भैया का फोन स्विच ऑफ आ रहा है पापा, अब मैं कल्याणी को फोन करके बुलाती हूँ, आप जाइए। ठीक है बेटी। इसमें शक करने वाली क्या बात है, बताओ ना। श्री पढ़ाई में बहुत अच्छी थी लेकिन इंग्लिश में वीक थी, इतनी वीक थी कि वो अगर एक लाइन लिखती थी तो उससे 10 स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी। वैसी लड़की इतनी फ्लुएंट एरर फ्री इंग्लिश, इसलिए मुझे डाउट हो गया। मैंने फॉरेंसिक टेस्ट करवाई। फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंगली ये एक सुसाइड का केस है। श्री ने सुसाइड किया है ऐसा कह रहे थे, लेकिन मेरा दिल तो कह रहा है कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन सारे रिपोर्ट्स तो आत्महत्या के नाम से आ रहे हैं। तो फिर पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की तुमने? सुनो भाई,
पुख्ता एविडेंस ना हो तो केस में दिक्कत होती है। सिर्फ शक के आधार पर जांच करना बहुत मुश्किल है। हर महीने 10 लड़कियां मिस होती हैं। अपनी बहन के केस से संबंधित कोई एविडेंस हो तो उसे लेकर के आओ। अब पुलिस वालों से कुछ नहीं हो सकता, ये सोचकर मैं खुद ही इस खेल में उतरा। श्री के मामले में जिस जिस पर डाउट था उन सबसे मैं मिला। हत्या हुई है उस डाउट से मैं जांच करूंगा तो वो कातिल अलर्ट हो जाएगा, इसलिए अपने पुराने कैरेक्टर से ही मैं उसे ढूंढने लगा। क्यों मारा मेरी बहन को बोल? तेरे हाथ से मार खा के इतने दिन हॉस्पिटल में था, आज ही बाहर आया हूँ। ऐसे मजे के लिए कमेंट करते हैं बस, लेकिन हम किसी को मार नहीं सकते भाई। और एक बच गया था, उसने प्यार नहीं करोगी तो मार डालूंगा ऐसा उसे मैसेज किया था। आई लव यू श्री। उसे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, आज वो दिखा था और उसी को पकड़ने के लिए मैं ट्राई कर रहा था तो तुम बीच में आ गई। छह मिस हो गया वो, छोड़ूंगा नहीं लेकिन मैं उसे। तुम अपनी बहन से इतना प्यार करते थे? मुझे माँ का प्यार तो पता नहीं है, मैं जिसको जानता हूँ वो है श्री। मैंने कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया, वो मेरा ख्याल रखती थी। जिस दिन श्री मरी ना उस दिन मुझे दर्द से ज्यादा गुस्सा आया था क्योंकि वो मुझे छोड़कर चली गई। इस बार अगर श्री देखेगी तो मैं उसे मार डालूंगा, मैं ही मार डालूंगा उसे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब आगे भी तुम्हें कभी अपना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी लकी। मेरी बहन के जाने के बाद पापा को तुमने दिए मॉरल सपोर्ट के लिए तुम्हें जितनी बार भी थैंक्स कहूँ वो कम है कार्तिक। हे लकी, डोंट बी फॉर्मल यार, वैसे भी मैं कोई पराया हूँ क्या? नहीं ना कार्तिक, मैं एक बात करना चाहता हूँ। श्री ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ। क्या बात कर रहा है तू? उसे किसने मारा होगा? मुझे तो उस पांडू पर ही डाउट हो रहा है। क्या कहा पांडू ने? हाँ मुझे भी उस पे डाउट है। श्री ने मुझे मरने से 20 दिन पहले उसके बारे में बताया था कि वो उसे टॉर्चर करता है, उसी वक्त में उसे मार देता तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब भी वही होने वाला है। ए भाई, पांडू दिख गया यार। अंबेडकर नगर आजा। हाँ मैं आ रहा हूँ। कौन है लकी? वो पांडू मिल गया है, उसे छोड़ना मत लकी। उसने श्री को मारा है, उसे मत छोड़ना तू। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो प्लीज। मेरी बहन प्यार नहीं करेगी तो उसे मार देगा। मैं कैसे मार सकता हूँ भाई, 2 महीने से जेल में था, अभी तो बाहर आया हूँ। ये तो क्या बोल रहा है? तुम्हारी बहन की तरह दूसरी लड़की को भी मैसेज किया था, उसी केस में अरेस्ट हुआ था। तो मुझे देखकर भाग क्यों रहा था? तो जेल से आने के बाद तुम्हारी बहन मर गई ऐसा सुना था, तुम्हें मेरे ऊपर डाउट है ये सोच करके मैं छुपता फिर रहा था। मेरी बहन को पांडू ने मारा ऐसा मैं सोचता था, लेकिन उस वक्त वो नहीं है ये मुझे पता चलने के बाद मेरे दिमाग में कुछ और सोच शुरू हो गई। अंकल, आपकी तबीयत कैसी है? ऑपरेशन ठीक से हुआ ना? ऑपरेशन मुझे क्या हुआ है? आपको हार्ट अटैक आया था ऐसा सुना था। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कुछ भी अनाप शनाप बोलोगे क्या? आप कल्याणी के पिता ही हो ना? हाँ, लेकिन हार्ट अटैक नहीं आया मुझे। लेकिन मेरे डैडी को हार्ट अटैक आ गया, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। ए, तू कल्याणी से बात करके सीधे फ्लेक्सी के शॉप पे आ जा। ओके ओके। अरे सुनो भैया, मैंने परसों अपनी शॉर्ट फिल्म का प्रीमियर किया था, आप नहीं आए। मैंने उसका सिक्वल बनाया है, एक बार देखो ना, प्लीज देखो ना।
अरे मैं अब उस मूड में नहीं हूँ यार, बाद में देख लूंगा, जा। क्या भैया कैसा बोल रहे हो आप, दीदी होती तो मेरी तारीफ करती, एक बार देखो ना। ठीक है ला। हाँ देखो। गलत किया हुआ हर कोई कुछ ना कुछ सबूत छोड़ता है, ऐसा बड़े लोगों का कहना सुना था, लेकिन उस वक्त मैं सोच नहीं सकता ऐसा सबूत मिला था, उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वही सच लगा। आप वही शॉप पर वेट कीजिए, मैं बस अभी पहुंचता हूँ। ये बंडल कैसा? दो हफ्ते पहले ऑर्डर किया था लेकिन कोई ले नहीं गया। फोन नहीं किया क्या? किया था ना, फोन स्विच ऑफ है। पर डैडी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। ऑपरेशन अच्छे से हुआ ना? ऑपरेशन मुझे क्या हुआ है? मुझे उस पांडू पर ही डाउट हो रहा है। पांडू? शी ने मरने के 20 दिन पहले मुझे बताया था उसके बारे में, वो उसे टॉर्चर करता है। मैंने नहीं मारा भाई, अभी कुछ दिन पहले तो जेल से बाहर आया हूँ। भैया आपने ऑर्डर किया था ना, पार्सल आया है। यार लकी, तेरा शक सही निकला। क्या हुआ था कल्याणी, सच्चाई बताओ ना मुझे। उस रात मैं श्री से मिलने के लिए निकली थी, पर मेरे बॉयफ्रेंड का फोन आ गया और उसने मुझसे कहा मैं नहीं मिलूंगी तो कभी बात नहीं करेगा। मैं उससे मिलने चली गई। उसके बाद जब मैं श्री के पास पहुंची तब मैंने देखा वो फांसी पर लटकी हुई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं बहुत डर गई थी इसलिए घर वापस आ गई मैं, और कुछ नहीं पता। वो कार्तिक का क्लोज फ्रेंड है ना। हे, वो तुझे कैसे पता? चल चलते हैं। पापा, श्री ने आत्महत्या नहीं की है, हत्या है। ये तू क्या बकवास कर रहा है? मुझे उस कार्तिक पर ही डाउट हो रहा है पापा। अपनी पुरानी आदत से तू कभी बाज नहीं आएगा ना। कार्तिक से बदला लेने के लिए तू अपनी बहन की मौत का फायदा उठाकर उस पर इल्जाम लगा रहा है। छी, मैं तुझे क्या कहूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा, ए, तू अगर एक पल और यहां नजर आया ना तो मैं तेरा क्या करूंगा तुझे पता नहीं है। ए? जितना भरोसा उस कार्तिक पर है उसका 10% भरोसा भी आपको अपने बेटे पर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, नहीं है। और उसकी वजह तेरा काम और तेरा बर्ताव। नाटक करने वाले यकीन दिलाते हैं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तुझे उसकी जरूरत भी नहीं है, और तेरा पापा होने पर मुझे कोई गर्व नहीं है। तेरी बहन भी जी नहीं पाई, तेरे घर में कभी खुशी नहीं रह पाई। मेरे पापा ने अपनी जिंदगी मुझ पर यकीन करना और ना करने में ही गुजार दी। मुझ पर भरोसा सिर्फ मेरी बहन ने ही किया था। माँ के समान मेरी बहन को मेरे पापा के अंधविश्वास नहीं था। उस गुनहगार को मैं मारने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसके लोग। लगाया तूने, इंटेलिजेंट फेलो। ऑफिस के वर्किंग आवर में इसका यहां क्या काम है? यही सोच रहा है ना तू, कैसा लगा मेरा पंच? बेवस साले। अरे यार भाई, चल चल उठ जा, उठ जा, उठ उठ जा, प्लीज मुझे छोड़ दो। तेरे पापा का चार घर है, बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है। मैंने तुझसे कितनी बार मांगा, बस 5 लाख रुपए की ही तो बात थी। पता है उस वीडियो के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी? इतनी आसानी से तू मेरे बेड पे नहीं आई थी।
आने के बाद 100% कॉपरेशन किया था तूने, और वीडियो HD क्वालिटी जितना क्लियर वीडियो था। अगर मैंने मेहनत की थी तो फल तो मांगूंगा ही ना बेबी। जो मांग रहे हो वो दूंगी, पर तुम्हें वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। भाई, तेरी तो कंडीशन रखेगी तो तुझे यहीं मार दूंगा, लेकिन एक बार तेरा बाप पैसे लेके आ जाए उसके बाद देखना, समझी ना? देखना यार, मुझे समझ नहीं पा रही है, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ यार, तू ही समझाना इसे, मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो रही है। ये क्या है सोच रहा है ना, हेरोइन? मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ इसलिए इसमें यूज करता हूँ। वैसे अच्छा बनने की एक्टिंग बहुत मुश्किल होती है। सुबह सुबह उठ के पूजा करना, फॉर्मल पहन के तेरे बाप के पैर पकड़ना, उसके बाद अच्छे बच्चों की तरह जाके उन्हें गुड मॉर्निंग बोलना, त्योहार हो या जन्मदिन हो जाके विश करना, उन लोगों के फालतू जोक पे हंसना, उन लोगों की बातों से मेरा दिमाग खराब होता था। कुत्ता जैसे जिया हूँ मैं, नहीं अब मुझे अच्छा इंसान नहीं बनना है। तुम लोग कहाँ से अच्छे हो गए साइको कहीं के? क्या यार, मेरे बारे में जानने के बाद मुझे साइको बोल रहा है? ए साले साहब, इस तरह के नशे के लिए हाई लेवल का ड्रग्स लेना होता है, और मजे के लिए सेक्स, बस इतना ही तो, और इस बात को तू साइको बोल रहा है? मैं साइको हूँ क्या? बोलना। श्री को क्यों मारा, बोल। श्री 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 ये क्या यार? उसका नाम सुनते ही मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट करने लग गया, और 5 सालों से सेम फीलिंग होती है, हर तरीके से ट्राई कर लिया नहीं पटी वो, इसलिए तेरे बाप के करीब पहुंचा। मामला शादी तक पहुंच गया था, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, तभी उसने मेरा असली चेहरा देख लिया। कार्तिक बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है, पर असल में वो साइको है, लड़कियों को किडनैप करने का काम है उसका, आज तक कई लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल चुका है। तुम्हारे घर पर उसी के आदमी आए थे पता है, वो भी उसके माँ बाप बनकर, क्योंकि उसके असली माँ बाप को तो उस साइको ने खुद ही मारा था जब उन्होंने उसे टोका था। सच तो वो जान ही गई थी, मुझे लगा कि उससे मेरी जिंदगी को खतरा है, इसीलिए मैंने उसे मारने का डिसाइड किया। उस दिन तू पार्टी में था, काम के बहाने तेरे पापा को घर से बाहर भेजा। आप वहां शॉप पर ही वेट कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूँ। आप अभी आए हैं पापा? अरे वो लोग डबल पेमेंट दे रहे हैं बेटा, शादी के लिए भी तो हमें डबल पैसों की जरूरत है ना। भैया का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मैं कल्याणी को फोन करके बुला लेती हूँ, आप जाइए। साथ देने आई कल्याणी को साइड कर दिया मैंने। हेलो कल्याणी, तुमसे अर्जेंट में मिलना है मुझे, अगर तुम नहीं आओगे तो, मैं सच कह रहा हूँ कल्याणी, मैं अपनी जान दे दूंगा। और उस रात को अरे क्या हुआ श्री, टेंशन में लग रही हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? वैसे भी अब हमारी शादी होने वाली है, इसलिए पहले ही आ गया मिलने में। तुम्हारे साथ शादी तो क्या, कार्तिक अलियास अरविंद, कितने लोगों को अपने नाटक से फंसाओगे? हाँ तुम्हारे बारे में साक्षी ने सब बता दिया है, ये बात अगर मैंने अपने भाई से कही तो वो तुम्हें मार डालेगा और जेल चला जाएगा। तुम बाहर जाओगे या फोन करूं? ओके, रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, एक या आधा घंटा तूने कोऑपरेट किया ना तो मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, सच कह रहा हूँ मैं, तेरे पीछे पागल हूँ मैं, तुझे देखने के बाद किसी और लड़की पे मेरी नजर ही नहीं टिकती है। तुम्हें देखकर ही तुमसे नफरत होती है, तुमसे अच्छा तो मैं एक कुत्ते पे भरोसा कर लूं, कम से कम वफादार तो होता है। सीता को उठा के लेके जाने वाले रावण से भी ज्यादा डेंजर हूँ मैं, औरतें मेरी कमजोरी है। और कितने दिनों तक कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करोगे तुम? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, मैं मार डालूंगी। अरे मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुन, मैं पढ़ता हूँ, मेरी बात मान ले, मैं 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट मुझे कोऑपरेट कर लो,
प्लीज 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 मेरी बात मान लो, प्लीज प्लीज पांच 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 मिनट इसे पकड़ लो, इसे पकड़ो, इसे यहाँ पे ऐसे 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 करके मुझे मार दो, मार दो, मार दो, हाँ हाँ मार दो, मार दो। अच्छा एक मिनट, ये लकड़ी, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसको यहाँ 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 पे मारो, मारो ऐसे, मारो 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 ना, मैटर ही खत्म हो जाएगा और तुम भाग जाना। कम ऑन बेबी, हे बेबी, हे, अरे रुक जा, तेरी तो नहीं, दरवाजा खोल, तेरी It separates me from my whole family. बच्चा, अरे बैठ ना। Cool. 5 साल, 5 साल इंतजार किया उसका, लेकिन कोई फायदा नहीं, इसलिए मार दिया मैंने उसे। अच्छा किया ना। और कितना श्री जैसी लड़कियों को मारा है तूने? बुद्धिमान तो उसी को बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं बहुत मासूम हूँ ना। हा? मेरे हाथों से 10 लोग मरे हैं। वो उस तरफ देख, मेरी वजह से जिन्होंने अपनी जान ली वो करीब 20 लोग होंगे। हॉस्टल में रहती थी, अचानक ही उसने आत्महत्या कर ली। मैं तो अपनी पोती के सहारे जी रही थी, कभी नहीं सोचा था वो ऐसे मर जाएगी। मैंने अपनी बहन को हॉस्टल में रख के बहुत पढ़ाया, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो आत्महत्या कर लेगी। फॉरेंसिक डॉक्टर और पुलिस को तुमने अच्छे से मैनेज कर लिया, तेरा जवाब नहीं कर देख। तूने मेरे बारे में बहुत कुछ जान लिया है, बाकी जो बचा वो ऊपर जाके हाँ अपनी बहन से पूछ लेना। बुद्धिमान बनकर तैयार होने तक ये लोग अपना काम कर लेंगे। हाँ ए हेलो सर, अभी तो यकीन करोगे ना कि मेरी बहन का मर्डर हुआ है। आप कौन बोल रहे हैं, क्या कह रहे हो? सर मैं लकी बात कर रहा हूँ, मेरे पापा ने आपको ब्लूटूथ फोन नहीं दिया है क्या? नहीं कुछ नहीं दिया। वैसे ब्लूटूथ क्या है? फोन तो ऑन है, फिर ब्लूटूथ का क्या हुआ? हाय अंकल, आप यहाँ? मैं बस
तुमसे ही मिलने आया हूँ। हाँ आइए अंकल आइए, मैं भी आपसे मिलना चाह रहा था अंकल। श्री कल रात मेरे सपने में आई थी। घर में कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है अंकल, मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ। ये ब्लूटूथ फोन ले जाकर सीआई को दीजिए और उसे बोलिए आधा घंटा सुन ले, गुनेगार कौन है पता चल जाएगा। बहुत तरह से मैंने ट्राई किया लेकिन वो पड़ी नहीं। बहुत कुछ किया लेकिन वो नहीं मानी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। अंकल ये कैसी खुशबू है? नशा हो रहा है क्या? हाँ नशा हो रहा है। ये तुमने इस्तेमाल किया था और इस्तेमाल करके मेरे घर में भूल गए थे। उस दिन रात को तुमने इसका इस्तेमाल किया एंटीडोट का और मैंने भी किया आज। अंकल अंकल मैंने श्री को नहीं मारा अंकल, मैं आपका कार्तिक हूं अंकल। अबे हमेशा मैं तुझसे मेरे बेटे को कंपेयर करता था और उसे बेवर्षा बना दिया मैंने। तेरे से शादी के लिए मानकर मैंने अपनी बेटी खो दी। मैंने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया? तेरी बेटी को मारने वाला मैं हूँ, मैंने ही मारा। क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा? मेरा बेटा कहाँ है बता? तेरे बेटे को भी तेरी बेटी के पास भेज रहा हूँ मैं। तू चाहे कितने भी गुंडों को रख कर किसी भी तरीके का प्लान बना ले, उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि वो सत्यमूर्ति का बेटा है, सत्यमूर्ति का बेटा है। तेरे जैसे लोगों को जिंदगी में सही सबक सिखाने के लिए हर एक लड़की को मेरे जैसा पाप चाहिए। तूने जो पाप किया है ना, उसके लिए तुझे जीने का कोई हक नहीं है। अंकल अंकल नहीं अंकल नहीं, मुझे छोड़ दीजिए अंकल, मैंने कुछ नहीं किया अंकल। अंकल अंकल प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ। नहीं नहीं कितनी लड़कियां तेरे सामने गिड़गिड़ाई होंगी। मुझे छोड़ दीजिए अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उनका पाप तो तुझे जरूर लगेगा। नहीं अंकल, नहीं नहीं मुझे मत मारना, मुझे मत मारना अंकल। आ जा अंदर। नहीं अंकल मुझे छोड़ दो प्लीज। तूने सिर्फ मेरी बेटी को ही नहीं मारा, मेरे घर की हर खुशी छीन ली। अब कौन ऐसी हरकत दोबारा करेगा मैं देखता हूँ। अब इस बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी से निराश होकर कार्तिक ने आत्महत्या कर ली है। पहले उन्होंने अपने सर को दीवार पे जोर जोर से मारा और उसके बाद उन्होंने फांसी लगा ली जिससे उनकी मौत हो गई।
मेरी बहन की हत्या को जैसे तूने आत्महत्या का रूप दिया था, उसी तरह सबको यकीन दिलवाऊंगा कि तूने भी आत्महत्या की है। मुझे जिंदगी से नफरत हो गई है, इसलिए अब मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ कार्तिक। इस घटना की जांच करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र वहां पर पहुंचे और पुलिस ने डिक्लेयर किया कि यह एक आत्महत्या है। कुछ दिनों के बाद मेरे पापा की पसंद का ग्रुप 1 एग्जाम लिखने जा रहा हूं। लकी, अरे जल्दी आना बेटा। घर आई हूँ ये सोचकर ये मत सोचना कि परमिशन दे दी है। जब मंजिल तक पहुंचोगे तभी कुछ होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। पापा, आप मुझे यहाँ कहाँ लाए हो? ग्रुप्स एग्जाम का टाइम हो रहा है पापा। पायलट ट्रेनिंग, श्री, फीस। पापा, बचपन में आपने मुझे कंधे पर बिठाकर दुनिया दिखाई, उस वक्त मैं जितना खुश नहीं हुआ था उससे भी ज्यादा खुशी आज मुझे हो रही है, क्योंकि आपने मेरी दुनिया मुझे लौटा दी। आई लव यू पापा। बाय बेटा। बाय पापा। माँ बाप को ना समझने वाले बच्चे ही नहीं, बच्चों को ना समझने वाले माँ बाप भी बेवर से होते हैं।